要踢过给他。नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तालिका और मैं आपके साथ संदीप शर्मा। लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं पानीपत की देशराज कॉलोनी से, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक फैक्ट्री में किस तरह से भीषण आग लगी हुई है। और दरी की फैक्ट्री जो है, ये बताई जा रही है कि यहां पर दरिया बनाई जा रही थी, जिसके बाद अचानक अज्ञात कारणों से इसके अंदर आग की सूचना मिलती है। आसपास जो रहने वाले तमाम लोग हैं वो एकदम से दहशत में आ जाते हैं। ये खाली करवा दे। ओए अरे पे काम कौन करेगा? एक आदमी करवाया होंगे उनकी लाल बोलेगा। और दूसरी जो फैक्ट्री यहाँ पर काम कर रहे थे उसके कर्मचारी भी जो है उसको सूचना देते हैं, फैक्ट्री के जो मालिक को, संचालक को सूचना दी जाती है, जिसके बाद मालिक यहाँ पर पहुँचते हैं और फायर ब्रिगेड की टीम को जो सूचना है वो दी जाती है। फायर ब्रिगेड की एक के बाद एक कर करीब करीब 8 से 10 जो गाड़ियाँ हैं वो फिलहाल आ चुकी हैं। लगातार आग पर काबू पाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। लेकिन एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि जो फैक्ट्री की जो दीवार थी, जो स्पोर्ट थी, वो पूरी की पूरी तरीके से इस आग के अंदर, आग इतनी भयंकर थी कि अब दीवार भी जो है वो ढह चुकी है। इसके अलावा कुछ दीवार ढह चुकी है और दूसरी जो दीवार आप ये देख पा रहे हैं कि किस तरह से दूसरी दीवार से अलग हो चुकी है, यानी दरारें दीवारों के बीच आ चुकी है। लगातार आप सिटी तहलका के माध्यम से पानीपत की देशराज कॉलोनी से तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या कारण रहा ये एक अलग जांच का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं इस आग से लाखों रुपए का जो नुकसान है वो फिलहाल जरूर बताया जा रहा कि जो नया माल बनकर के तैयार हुआ था। हालांकि अब धुआं धुआं जरूर है, कुछ आग की लपटें भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई कि किस तरह से आग की लपटें जो हैं
वो निकलती हुई नजर आई और एक एक कर धीरे धीरे कर लाखों रुपए का फिलहाल आप अनुमान लगा सकते हैं। एग्जैक्ट अनुमान नहीं है कि भाई कितना नुकसान है, ये एक बाद की बात है, जांच के बाद पता चल पाएगा, वो मालिक बता पाएंगे कि भाई कितना माल उनके यहाँ बन करके तैयार था, मशीनें कितनी थी, कितना मटेरियल जला है, कितना और नुकसान जो बिल्डिंग का जो नुकसान है, जो दीवारें ढह गई हैं, वो टोटल अनुमान एक अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं आज सुबह सुबह, कल पूरा दिन पानी बरसा और आज आग की खबरें जो हैं फिलहाल पानीपत की देसराज कॉलोनी से मिलती है। तमाम लोगों से मैं अपील करूंगा कि इस वीडियो को शेयर करें, आसपास की कुछ जो फैक्ट्री हैं उनको चलाने वाले लोग यहां पर मौजूद हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ सूचना मिली थी सर आप लोगों को और क्या कुछ अनुमान लगाया जा रहा, कितना नुकसान आप बता दीजिए एक बार थोड़ा सा। सुबह हमारी लेबर के द्वारा फ़ोन किया गया था कि पड़ोस वाली फैक्ट्री में आग लग गई है बहुत ज़्यादा, तो जब हम यहाँ आए तो बहुत ज़्यादा आग थी और बहुत गाड़ियाँ आई इनको बुझाने के लिए। नुकसान का कोई अनुमान नहीं है, बहुत माल गोदाम भरा पड़ा था, नया दरियों की फैक्ट्री है ये, जिसकी ये सारी दीवारें भी गिर चुकी हैं और हमारी दीवारों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फिलहाल तो। क्या कारण मानते हैं कि क्या कुछ से वजह रही होगी? कारण तो कोई था ही नहीं, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का ही प्रॉब्लम हो सकती है, बंद थी फैक्ट्री, कोई लेबर भी नहीं थी, कोई था नहीं। रात को बंद हो जाती है? हाँ रात को बंद थी, कोई नहीं था यहाँ। टाइमिंग क्या रही होगी आग की? टाइमिंग हमारे पास यही 6:30 बजे कॉल आई थी हमारी लेबर की कि साथ वाली फैक्ट्री में आग लगी हुई है बाबूजी बहुत ज़्यादा, आके वो देख लो। चलिए तो फिलहाल प्राथमिक तौर पर कारण जो है शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आग लगने का, लेकिन जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी हैं वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि कितना कुछ नुकसान होने का अनुमान है और कितनी गाड़ियां यहां पर जो है पहुंच चुकी है, कब तक ये आग पर काबू पा लिया जाएगा। बता दीजिए एक बार क्या कुछ नाम है, एक बार थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए मुझे। मैं दिनेश फायरमैन पानीपत आली पार्क में ड्यूटी पे हूँ। तो हमें सुबह 7:50 के आसपास सूचना मिली कि देसराज कॉलोनी में फैक्ट्री में आग लग गई है। तुरंत मौके पर पहुंच के हमारे फायर ब्रिगेड की तीनों स्टेशनों से गाड़ी निकली हुई हैं और 8 से 10 गाड़ियां निकली हुई हैं। तो सुबह से ही हम लगातार पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, आग को काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे मालिक को काफ़ी नुकसान हुआ है, दीवारें भी गिर गई हैं और जितनी दरियों की फैक्ट्री है सभी दरियों में नुकसान हो गया, जल के वो राख हो गई हैं। लग रहा है लाखों का नुकसान हमारी का। अब तो धुआं ही रह गया है, लगभग काबू पा लिया है बस। तो दरियों के बीच में आग दबी हुई है, करेल के उसको समाप्त कर रहे हैं। हाँ जी, तो फिलहाल आप लोगों को ये लाइव तस्वीरें दिखाई और उसके बाद में जो मालिक है या कोई नीचे कर्मचारी जो है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि कितना नुकसान है। नीचे आपको वो लाइव तस्वीरें जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आग पर जो है काबू पा लिया गया है फिलहाल।